हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी करें, और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल पर भी आप एक बार टैप कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफाई होता जाएगा। ओके, तो सबसे पहले पोको फ़ोन पोको F1 में हम मैनुअल सेटिंग्स जाने से पहले यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट दो मोड्स दिए गए हैं। एक है HDR, आपको ऑब्वियसली पता ही होगा HDR क्यों यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। एंड अदर वन इज़ नया इंट्रोड्यूस किया है जो कि AI कैमरा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे क्या होता है कि सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेड रहता है, जो भी आप सीन पर कैप्चर करने के लिए पकड़ेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली सीन डिटेक्ट होके तो उसके अनुसार कैसे क्या बूस्ट करना है वहाँ पर, शेडोज या हाईलाइट्स या फिर सैचुरेशन करना है, उसको डिसाइड करके कैमरा ऑटोमेटिकली आपको आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ही अच्छा पिक्चर्स देगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां पर कैसे यूज़ होता है AI कैमरा एंड HDR कहां पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देखिए, HDR हाई डायनेमिक रेंज बेसिकली शेडोज एंड हाईलाइट्स जो भी होता है वो कवर करके, शेड्स ऑफ ब्लैक, शेड्स ऑफ वाइट को सारी तरह से कवर करके आपको बहुत ही अच्छे पिक्चर्स देता है। एंड यहां पर AI कैमरा भी सिमिलरली वर्क होता है, लेकिन यहां पर जैसे सीन्स होते हैं उसके अनुसार ऑटोमेटिकली चेंज करके आपको बहुत ही अच्छे कैप्चर करने को मिलता है पिक्चर्स। तो वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं यह कैमरा HDR कैसे यूज करता है एंड इसके बाद हम एक्चुअल मैनुअल मोड पर जाएंगे। तो जैसे कि यह है सब्जेक्ट यहाँ का फ्लावर। अभी फ्लावर के लिए क्या करना है आपको, AI पर एक बार टैप करना है तो AI कैमरा ऑन होगा। एंड जैसे कि आप यहाँ पर सिंबल देख सकते हैं, यह है फ्लावर का सिंबल। तो अभी इसने डिटेक्ट कर लिया है कि यह है फ्लावर का सिंबल एंड इसको थोड़ा बूस्ट करना है, सैचुरेशन हो या डिटेल्स हो। तो अभी आप कैप्चर करेंगे तो बहुत ही अच्छे पिक्चर्स आपको मिलेंगे। एंड वैसे भी आप यहाँ पर थोड़ा ऐसे पिंच एंड जूम कर सकते हैं, अप टू 2x कीजिए, ज़्यादा नहीं, अप टू 2x करके आप बिल्कुल कैप्चर करेंगे तो बहुत ही शार्प एंड क्लोजअप वाला सब्जेक्ट्स मिलेगा विथ AI कैमरा ऑन। तो ये ऐसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं AI कैमरा को, जो भी सीन्स हो वो थोड़ा बूस्ट करके आपको शार्पर इमेजेस देगा। एंड जब भी आपको चाहिए आप ऑफ़ कर सकते हैं। एंड यहाँ से अगर आप HDR ऑन करेंगे, HDR देखिए ज़्यादातर लैंडस्केप्स के लिए यूज़ कीजिएगा, ना कि ऐसे क्लोजअप सब्जेक्ट्स के लिए। तो क्लोजअप सब्जेक्ट्स के लिए जैसे कि आपको पता है अभी AI कैमरा ज़रूर यूज़ करना है। जैसे कि आपने देखा कि हमने फ्लावर का लिया है, अभी यहाँ पर जो लीव्स है, यहाँ पर जो प्लांट है, अभी देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर लीव्स करके डिटेक्ट हुआ है। एंड अगर मैं कैप्चर करूँ तो बिल्कुल बढ़िया इमेज यहाँ पर मिलेगा, शार्प फोटोज एंड थोड़ा सैचुरेटेड इमेजेस आपको ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे आप यूटिलाइज़ करके अलग अलग सीन्स पर AI कैमरा को एनेबल करके बहुत ही अच्छे पिक्चर्स कैप्चर ज़रूर कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट यहाँ पर देखिए स्ट्राइप, 3 स्ट्राइप्स है, इस पर एक बार टैप करेंगे तो टिल्ट शिफ्ट मिलेगा आपको। तो इस टिल्ट शिफ्ट को यूज़ करके आप पूरी तरह से बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, स्पेशली सब्जेक्ट्स ऐसे फ्लावर्स के लिए बहुत ही यूज़ होता है। एंड जहाँ पर भी पाथ होता है उस पाथ को आप बिल्कुल यहाँ पर और एक बार टैप करेंगे तो पैरेलल मिलेगा। तो पैरेलल टिल्ट शिफ्ट यूज़ करके जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऐसे विड्थ को करके आप बैकग्राउंड ब्लर करके और जो भी सब्जेक्ट है उसको शार्पर कैप्चर कर सकते हैं। अभी एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पर सर्कल लिया हूँ तो जो फ्लावर है यहाँ हम इसको मूव करेंगे जहाँ पर चाहिए वहाँ। एंड जब मैं पिक्चर कैप्चर करता हूँ तो बिल्कुल बैकग्राउंड को अच्छी तरह से वो ब्लर कर देगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बैकग्राउंड ब्लर के लिए यूज़ करने के लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन मैं समझता हूँ। तो इस चीज़ को आप यहाँ से एनेबल कर सकते हैं सर्कल से। तो ऐसे आप अलग अलग पिक्चर्स को यूज़ करके कैप्चर कर सकते हैं। तो अभी हमने देख लिया AI कैमरा एंड HDR को कैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे मैनुअल मोड। तो इसमें सेपरेट मैनुअल मोड, फुल फ्लैट मैनुअल मोड दिया है, उससे आप बहुत ही अच्छे कैप्चर कर सकते हैं इमेजेस। एंड कौन सा सेटिंग्स कहां पर कौन से सीन में रखना है वो डिटेल से आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं मैनुअल मोड से कैसे आप अच्छे पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं अपने पोको F1 पर। तो यहाँ पर अभी हम मैनुअल मोड पर हैं। देखिए क्योंकि ये लैंडस्केप इमेजेस है, आपको ऑटो रख सकते हैं ऑटो तो, लेकिन इससे कई बार क्या होता है फोकस हंट होता है एंड ठीक से आपको जहाँ पर शार्प फोकस चाहिए वहाँ पर शार्प फोकस नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, अराउंड 80 नंबर पर आपको रखना है, 80-90 पर आप रखेंगे तो बिल्कुल आपको लैंडस्केप में अच्छे शार्प इमेजेस आएगा। एंड यहाँ पर पीक फंक्शन के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे कि मैंने बताया 90 अगर आप नंबर रखेंगे तो बिल्कुल सारा का सारा लैंडस्केप बिल्कुल फोकस पर है। एंड अगर मैं कैप्चर करूँ तो एक बहुत ही बढ़िया इमेज मिलेगा। यहाँ पर आपको शटर स्पीड पर गौर करना है, देखिए क्योंकि यहाँ पर एक लैंडस्केप इमेज है, ज़्यादा पेड़ हिल नहीं रहे हैं। एंड इसके लिए क्या करना है, थोड़ा फास्टर शटर स्पीड आपको रखना है, कॉम्पेंसेट 1/500 सेकेंड। तो कैप्चर करके देखें
देखिए यहाँ पर बिल्कुल एक बढ़िया इमेज आपको मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में मान लीजिए यहाँ पर ढेर सारे क्लाउड्स है, तो क्लाउड्स भी आपको अच्छी तरह से आना है, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, फिर से ऑटो मोड पर जाना है एंड ऑटो मोड पर आपको HDR से ही कैप्चर करना पड़ता है। तो ढेर सारे क्लाउड्स हैं एंड अगर आप मैनुअल मोड पर ले रहे हैं, क्लाउड्स कवर नहीं हो रहा है, तो आपको बिल्कुल HDR मोड की मदद से आप अगर कैप्चर करेंगे तो क्लाउड्स हो, स्काई हो, वो सारा चीज़, ब्लू स्काई, वो सारा चीज़ अच्छी तरह से कैप्चर करके आपको एक बढ़िया इमेज ज़रूर देगा। तो ऐसे आपको ध्यान में रख के अलग अलग मोड्स को यूज़ करके आप डिफरेंट सिचुएशंस सीन्स पर कैप्चर करना है, ना कि एक ही मोड रख के, एक ही सेटिंग्स रख के कैप्चर बिल्कुल नहीं करना है। तो ऐसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा इतने सारे सेटिंग्स है, होपफुली कुछ इन्फॉर्मेशन एंड इनसाइट मिला होगा कि कैसे पोको फोन को यूज़ करके बहुत ही ऑसम पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं। मैं ढेर सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा इस मोबाइल से ही कैसे कैप्चर कर सकते हैं, इन जनरल मोबाइल फोटोग्राफी का रिलेटेड भी हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकें। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना बाय बाय।